नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, तो देर किस बात की, अगर आपको भी कोई भी परेशानी या फिर कोई मुश्किल आ रही है किसी काम में, तो उसका आप आसानी से हल जान सकते हैं पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे बजरंग बाण करने के फायदे। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, शांति के साथ, धैर्य के साथ में, बगैर आवाज के अपने रास्ते पर आगे से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फ्यूचर के बारे में आज कोई एक अहम फैसला आपको लेना पड़ सकता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प अपने पूजा स्थल पर अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह वृषभ राशि। आज अपने मन में समर्पण का भाव बनाए रखिएगा, इससे आपके फाइनेंशियल पर्सनल सेक्टर के अंदर और जो आपका सामाजिक जीवन है उसमें बदलाव और उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति भी हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। आज कई सिचुएशंस में बदलाव हो रहा है, उन सिचुएशन के साथ अपने आप को भी बदलने का प्रयास कीजिएगा और बगैर किसी सिफारिश के अपने विचारों के और अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़िए कैरियर के अंदर, ताकि अगले 50 साल बाद आपको लगे कि मैं सेल्फ मेड इंसान हूं, मैं आज जो कुछ भी हूं अपनी बदौलत हूं। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, जैसलमेर से रेखा जी हैं, जो कि अपने हस्बैंड तारा सिंह जी के लिए जानना चाहती है। तारा सिंह जी की पंडित जी ना तो जन्म की तारीख पता है उन्हें और ना ही जन्म का समय पता है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। हेलो, अपना सवाल पूछिए रेखा जी। हेलो पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मेरे पति का नाम तारा सिंह है और उनको डेट और बर्थडे मुझे पता नहीं है, मतलब जन्म की तारीख। तो उनके हमें दुकान खोलनी है किराने की, दुकान? तो उनके पास को खोलें, उनके खुद के नाम से खोलें। और कौन है उनके घर में? और बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं और मैं खुद हूँ और मेरे पति। आपकी जन्म तारीख समय है बेटा? हाँ जी। आपकी बता दीजिए। 4/7/1979 समय बेटा? रात के 3:20 पे। तो ये चार की रात है या तीन की रात है? ये तीन की रात हो गई पंडित जी, चार की सुबह हो गई। हाँ जी। आपका नाम क्या है बेटा? रेखा। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर ये आपके नाम से अगर शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर किराने का नाम मतलब रेखा, जैसे प्रॉपराइटर उसमें बनेगी रेखा, तो दुकान का नाम जो होना चाहिए एम पे होना चाहिए। आप दोनों की वैसे राशि एक ही है, रेखा और तारा की राशि एक ही है, तो अगर दुकान का जो भी किराना स्टोर या जो भी प्रोविज़न स्टोर आप खोलना चाह रहे हैं उसका नाम जो होना चाहिए वो एम के ऊपर होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपकी जन्म कुंडली में जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि प्रॉफिट हाउस का, लाभ के घर का जो स्वामी है
वो गुरु उच्च का होके बैठा हुआ है। ये अगर लाभ के घर का स्वामी उच्च का हो जाए तो नो डाउट आपके नाम से जो भी व्यापार करेंगे उसमें चार चौगुना लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। प्रॉब्लम क्या है, आपको शनि की महादशा चल रही है 19 साल की। शनि आपके जन्म कुंडली के अंदर जो है वो शत्रु राशि में बैठा है। तुरंत प्रभाव से एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लीजिए, अगर घोड़े की नाल का मिल जाए तो अति उत्तम है। छल्ला ऐसा हो बेटा जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा पैक हो। और शनिवार के दिन एक कांसे के बाटके में सरसों का तेल भर के उसमें अपने चेहरे की परछाई देख के उस तेल को मिट्टी के दीपक में जलाना शुरू कीजिए। हर शनिवार करिए, कम से कम 11 शनिवार कीजिए, आपका लक फैक्टर जो है वो सपोर्ट करने लगेगा। और दुकान खोलिए, इसमें कोई दोराय नहीं, दुकान अच्छी चलेगी। हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए दौसा से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, रत्ना जी हैं, जो कि अपने पुत्र के लिए जानना चाहती है। इनकी पुत्र की जन्म की तारीख है 25/6/2002 और इनके जन्म का समय है शाम का 5:55 से लेकर 6 बजे के बीच का। रत्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न कीजिए। जी, मेरे बेटे का है ना 10वीं क्लास में है और इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आवाज कम कर। देखो बेटा, रत्ना, आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर एजुकेशन, पढ़ाई के घर का जो स्वामी है वो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं है। अभी सूर्य की महादशा इस बच्चे को शुरू हो चुकी है, आने वाले जो समय है इस बच्चे के जीवन के स्वर्णिम ईयर साबित हो सकते हैं। जो समस्या है वो एक ही समस्या है, इसके दिमाग में जो है वो केतु बैठा है। केतु मतलब सांप की पूँछ, सांप की पूँछ मतलब टेढ़ा चलने वाला। तो इसका जो दिमाग है वो दूसरी बातों में ज़्यादा लगता है, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता है बच्चा। पढ़ने बैठेगा तो कोई और बातें दिमाग में घूमती रहेंगी। क्या करना है, सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूँ जिससे इस बच्चे की एजुकेशन सेक्टर अच्छी हो जाएगी। उसमें आपको ये करना है कि एक तो इसको रोज 11-21 बार कम से कम गायत्री मंत्र का उच्चारण करना सिखाइए, इसको रोज गायत्री मंत्र का पाठ करें, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। और दूसरा, इसके हाथ से 40 दिन तक पक्षियों को दाना खिलवाइए। 40 दिन तक इसके हाथ से पक्षियों को अगर ये दाना खिलाता है तो जितनी केतु की जो नेगेटिविटी वो खत्म होगी। आने वाला समय अच्छा है, मैनेजमेंट के सेक्टर में बच्चा काफ़ी आगे जाएगा, आप चिंता ना करें। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, चंचल है चूरू से। इनके जन्म की तारीख है 6/7/1988, उनके जन्म का समय है रात का 9:45 का। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। चंचल जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना प्रश्न पूछिए। चंचल जी, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद बेटा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं एक तो ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा कैरियर कैसा रहेगा, और एक मेरे हस्बैंड और मेरी थोड़ी अनबन रहती है, तो वो कैसे अच्छी रहेगी और क्यों हो रही है ये? कितना टाइम हुआ बेटा शादी को? मेरा 4 साल है, एक गुड़िया है मेरे। गुड। देखो बेटा चंचल, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि एक तो आपका जन्म जो है वो रेवती नक्षत्र का जन्म है। रेवती नक्षत्र जो होता है वो गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा और नक्षत्र की शांति होनी चाहिए। अपने माता पिता से पूछिएगा कि वो शांति उन्होंने करवाई थी कि नहीं करवाई थी। यदि करवा ली थी तो अति उत्तम है, नहीं तो एक बार जब भी आप पियर जाएं तो उस पूजा को करवा लीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, शुक्र की महादशा उसके अंदर चल रहा है और शुक्र में भी शनि का अंतर, चंद्र मंगल योग है, लक्ष्मी का रूप है आप। जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, हर तरह का सुख आपके जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो समस्याएं हैं, आपके दाम्पत्य घर के अंदर जो है वो केतु बैठा है। केतु मतलब सांप की पूछ, कभी कभी पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद करा देना। राहु लग्न में बैठा है तो अक्सर आपको भी कंफ्यूज करा सकता है। बड़ा सरल सा उपाय बेटा, और आने वाला जो समय है आपके वैवाहिक जीवन के हिसाब से और हर लिहाज से अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2017-18-19 सब कुछ अच्छा रहेगा। बड़े सरल से उपाय करने हैं, रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया रखिए और अपने पति के सिरहाने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर रखिए। सुबह उठ के स्नान करके उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लीजिए, थोड़ा सा बेड के ऊपर छिड़क दीजिए और जो कपूर की टिकिया है उसको अपने बेडरूम में जला दीजिए। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपके बीच में जो भी थोड़ी बहुत तू तू मैं जो होती है वो खत्म होगी। शुक्रवार के दिन
घर के अंदर साबुदाने की खीर अवश्य बनाइए और अपने घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे भोग लगा के आप दोनों पति पत्नी घर के और भी जो सदस्य हैं उसको ग्रहण करें। आपस में प्रेम भाव आप दोनों के बीच में बना रहेगा। बाकी हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है बेटा, आप निश्चिंत रहें, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही होगा। पंडित जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, पंजाब से अनु जी है। इनकी जन्म की तारीख है 22/12/1973 और इनके जन्म का समय है शाम का 7:40 का। अनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। आचार्य जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। आचार्य जी मैं अब व्यस्त अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपने मुझे सुंदरकांड का पाठ कहा था, वो मैं कर रही हूँ और मैंने उनके लिए पूछा था ना आपसे, वो नौकरी नहीं करते, वो आज गए हैं उसी दुकान पे गए जो उन्होंने छोड़ दी थी, वापस उसी से गए हैं। क्या वो वहाँ पे टिकेंगे थोड़े दिन? अब आपने जो खीर बताई थी कौ के लिए वो मैं डालती हूँ, क्या वो बची हुई खीर हम घर पे खा सकते हैं? देखो बेटा अनु, जो उपाय आपको बताएं खीर वाला और जो सुंदरकांड वाला, वो इतने फलीभूत होने वाले उपाय हैं कि इनका जो फल है वो 100% मिलता है। तो आपके पति वापस जो दुकान पे जाने लगे हैं आपके इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करने से ही ये संभव हो हुआ है। और जब भी आप पूजा में बैठें तो यही प्रार्थना करें कि मेरे जो पति हैं वो काम करते रहें और दिनों दिन उनकी तरक्की होते रहे, करियर उनका आगे बढ़ता रहे। रही बात दूसरा प्रश्न जो है आपका कि क्या वो जो बची हुई खीर होती है वो आप लोग खा सकते हैं? बिल्कुल, प्रसाद के रूप में घर में जो थोड़ा बच जाता है वो आप खा सकते हैं। कौवे के लिए यदि आप खीर निकालते हैं स्पेशली फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, बड़े से बड़े फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। चंद्रमा नीच का है, सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर देना, व्हाइट फॉर्म में कुछ नहीं खाना है। कार्तिक मास शुरू हो चुका है, नियम मान लीजिए कार्तिक मास में तुलसी जी के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य करना है, दीपदान जिसको बोलते हैं, जल अवश्य अर्पण करना है, संभव हो तो परिक्रमा भी करें, आपके सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। ओम विष्णवे नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करते रहें। तो चलिए दर्शकों अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सपनों को साकार करने के लिए प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता रहेगी। नेगेटिव थॉट्स को, किसी भी तरह की नाराजगी को अपने मन में प्रवेश मत करने दीजिएगा, खुश रहिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा। अगली जो राशि है वह सिंह राशि। आसपास के लोगों से आज अनबन होने के आसार हैं, केवल उतना ही काम संभालिएगा जितना आपके लिए सहज हो। किसी भी प्रकार की डील बहुत सोच समझ कर सावधानी से कीजिएगा, धोखा भी हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प पितरों की तस्वीर पर अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कन्या राशि, ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। दूसरों से उतनी ही उम्मीदें रखें जितनी व्यवहारिक हो। किसी भी काम को करें आज गंभीरता से करें। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। वो भी एक ऐसी जगह है जो इंतज़ार करते हैं बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं कि कोई आएगा, उनके बच्चे तो नहीं आते हैं लेकिन हमें महीने में कम से कम एक सप्ताह एक नियम लेना है कि हम एक वीक में एक दिन या महीने में एक दिन एटलीस्ट हम वृद्धाश्रम में जाएं या अनाथाश्रम में जाएं, वहाँ जो भी उनकी ज़रूरतें हैं भगवान ने यदि हमको सक्षम किया है तो उन ज़रूरतों को हम पूरा करें। तो दर्शकों यहाँ के लिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका हिम्मत जाएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।